है। थैंक यू मिस्टर प्रांशुल। तो नमस्कार दोस्तों, आज बना रहा हूँ बच्चों के लिए सुपर टेस्टी डिलीशियस और घर में बढ़िया से बना हुआ मलाई कोफ्ता। जो मेरे मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और एग्जैक्ट क्वांटिटी इनको आपको मेरी वीडियो के स्टार्टिंग मिल जाएगी। तो ये टमाटर है, काजू है, ये थोड़ा मावा है 50 ग्राम है, ये पनीर है 150 ग्राम, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग सोडा, काली मिर्च पाउडर, देसी घी, अदरक, लहसुन, बॉइल्ड पोटैटो, ओनियन कटे हुए, थोड़ा धनिया, पिस्ता और बादाम, काजू थोड़े से, ये किशमिश और इलायची, और ये मेरे सारे मसाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मलाई कोफ्ता बनाने की। मलाई कोफ्ता एक्चुअली दो चीज़ें बनेंगी मेन मलाई कोफ्ते में, एक बनेगा उसकी ग्रेवी और एक बनेगा कोफ्ता यानी उसकी बॉल्स। तो सबसे पहले ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 4 चम्मच देसी घी लिया है इस कढ़ाई में, और आप चाहें तो 2 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आज पूरा खाना देसी घी में बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हमारे घी में डाल रहा हूँ काली मिर्च साबुत और इलायची साबुत और थोड़ा सा जीरा। जीरा ज़्यादा मत डालिएगा वरना ग्रेवी तो जीरा जलेगा तो ग्रेवी जो है डार्क हो जाएगी। और इसमें मैं डाल दूंगा हमारे कटे हुए प्याज। प्याज को हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो दोस्तों अब इसमें मैं डालूँ हल्का सा ब्राउनिश होने लगे हैं प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने वरना डार्क हो जाएगा। इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल है, कलर अच्छा देती है और तीखी कम होती है। और इसमें डालूंगा मैं थोड़ी सी हल्दी, इसको मिक्स कर लेता हूँ। तो ये अदरक मैंने लिया और थोड़े लहसुन की पीसेस, इसको कूट लेता हूँ और कूट के इसमें डालूंगा। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ अभी हमारा पीसा हुआ कूटा हुआ अदरक और लहसुन, और मैं इसमें अब डालूंगा 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो दोस्तों टमाटर हमारे भुन गए हैं और अब देखिए हल्का हल्का सा घी भी छोड़ने लगे हैं, इसमें मतलब ये परफेक्टली रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा और भुनने देते हैं जब तक हमारी ग्रेवी और अच्छे से भुन रही है पक रही है। तब तक साइड में मैंने क्या किया है कि ये जो मेरा पनीर था 150 ग्राम उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। इसमें मैं जो मेरा मावा है इसको क्रश करके डाल रहा हूँ अच्छे से मिक्स करने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे अगर आप मावा डाल रहे हैं जो कि फीका होता है तो आपको हल्की सी आप शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे इसमें क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली वैसा मावा नहीं मिला, तो मैं मावे की एकदम कम मीठी वाली मिठाई ले आया था 50 ग्राम, उसी को मिला रहा हूँ, तो मैं शक्कर ऐड नहीं करूँगा। और अब इसमें मैं डालूँगा हमारे पनीर और मावे के मिक्सचर में थोड़ी काली मिर्च, और इसमें डालूँगा मैं स्वाद अनुसार नमक। और दोस्तों इसमें जो हमने बॉईल किया था आलू उसको मैश करके मिलाना है। आप नमक डालने से और काली मिर्च डालने से पहले मिला लीजिएगा, मैं थोड़ा बातें करने लग गया था इस चक्कर में बाद में मिला रहा हूँ। तो इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इधर हमारी ग्रेवी में मैं अब डाल दे रहा हूँ 1/4 कप काजू, ये साबुत काजू ही डाल रहा हूँ। इसको एक बार स्टिर कर लेता हूँ और इसको पकने देता हूँ थोड़ी देर। इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रहा हूँ 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा अदरक, इसमें मैं ग्रेट करके डाल देता हूँ। और अब चूंकि मैं इसका डो बनाऊंगा तो उस डो को थोड़ा सा फुलाने के लिए मैं इसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ, 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा बस। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेते हैं। तो दोस्तों मेरी जो ग्रेवी है वो एकदम रेडी हो गई है और अब भुन चुकी है, लेकिन अभी मेरे को क्या है कि इसको शाइनिंग ग्रेवी बनानी पड़ेगी, एकदम पीसना पड़ेगा। टमाटर हैं, काजू हैं, तो उनको मैं एक बार अच्छे से पीस लेता हूँ।
दोस्तों देखिए इतना स्मूथ टेक्सचर आया है, अभी तो इसको एक बार सीव भी करना है तो और पतली हो जाएगी उसके बाद में। तब तक क्या करना है कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ और इसको मिक्स करके अब इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देना है। तो दोस्तों ये जो हमने डो बनाया उससे बॉल्स हमारी रेडी हो गई है, अभी इनके अंदर फिलिंग करनी बाकी है तो फिलिंग की अब तैयारी करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए ये मैंने कुछ पिस्ता और काजू लिए हैं, तो मैं इनको रफली क्रश कर ले रहा हूँ। इसमें डालूँगा मैं थोड़ी सी कटी हुई एकदम बारीक कटी हुई किशमिश और थोड़ा सा धनिया, ये मान लीजिए आधा टेबल स्पून धनिया है। थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ मैं मान लीजिए आधा टेबल स्पून इलायची पाउडर और अब डालूंगा इसमें स्वादानुसार नमक। बस और बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ हमारा कोफ्ते का मिक्सचर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों ये ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, एकदम पक गई है। अब मैं गैस को बंद कर दे रहा हूँ और लास्ट चीज़ इसमें इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ वो है स्वादानुसार नमक। बहुत ज़्यादा नमक मत डालिए, थोड़ा सा ही नमक डलेगा लेकिन डलेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसको सीव करना है तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। दोस्तों फिलिंग हमारी रेडी है, बॉल्स हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, बॉल को थोड़ा सा फैला लेंगे, इसमें कर देंगे थोड़ी फिलिंग। और इसको मैं कर दूंगा आप चारों तरफ से बंद, और ये बंद करके मैं इसको आप किसी भी शेप में बॉल्स को बना सकते हैं, मैं गोल ही बना रहा हूँ। तो ये हमारी एक रेडी है, ऐसे ही बाकी की बना लेते हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि ये जो हमारी ग्रेवी है इसको मैं एक छलनी में डाल के इसको सीव कर लेता हूँ अच्छे से, जिससे इसका बढ़िया स्मूथ टेक्स्चर है। थोड़ा मेहनत का काम है, टाइम लगेगा लेकिन ये करना है जिससे ये बढ़िया से स्मूथ टेक्सचर आए हमारी ग्रेवी का। तो दोस्तों मैंने ये एक कढ़ाई में घी लिया है, घी को मैं गर्म किया, तेल ले सकते हैं कोई इशू नहीं है लेकिन मैं घी में बना रहा हूँ। तो घी मेरा अभी मीडियम गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जो हमारे कोफ्ते की बॉल्स हैं वो एक एक करके डालूँगा। पहले दो बॉल्स ही डाल रहा हूँ और अभी स्टार्टिंग में इसको टच नहीं करूँगा, उसके बाद में इसको टर्न करूँगा। बस जैसे आप गुलाब जामुन बनाते हैं उसी तरीके से बन जाएंगे। बस ये मैंने एक बार पलट लिए हैं, दूसरी साइड से भी हो जाएंगे तो बाहर निकाल लेंगे। अंदर से सॉफ्ट ही होंगे, बाहर थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट राउंड मेरा रेडी है, ऐसे करके मैं बाकी के सारे भी बना लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है और अब मैं इसमें डालूँगा लाल मिर्च पाउडर, वही कश्मीरी लाल। और अब इसमें मैं डाल दूंगा, जैसे ही थोड़ा सा कलर आया मैं डाल दूंगा हमारी ग्रेवी। ये सिर्फ कलर देने के लिए है, इसलिए बहुत हल्के से देर रख के गैस को बंद कर दूंगा, जिससे कि इसका बढ़िया सा टेक्सचर है। मैं मिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी ग्रेवी एकदम परफेक्टली रेडी है, बहुत सुंदर कलर आया है। अब गैस को बंद करके इसको हम गार्निश करेंगे। ये जो मेरी कढ़ाई जिसमें मैं बना रहा हूँ ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, पहली बार ही बना रहा हूँ इसके अंदर, और ये हमारे किसी भी एल्यूमिनियम के बर्तन से काफ़ी ज़्यादा सेफर है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो अब चलिए इसको गार्निश करते हैं। दोस्तों ये फ्रेश मलाई है एकदम दूध से निकाली हुई, इसे थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर देता हूँ। बस इस तरीके से इसको सजा दीजिए। तो दोस्तों रेडी है हमारी मलाई कोफ्ता, हमारा एकदम परफेक्टली बहुत टेस्टी बना है। और बहुत सारी बॉल्स हमारी रेडी हैं, जब मैं सर्व करूँगा तो बाकी लोगों को उसमें डाल के दूंगा। तो ये आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, टेस्ट की मेरी गारंटी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।